अच्छो, मैं सीमा ओझा ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत हम इकाई दो में खंड ब के अंतर्गत हम सर्वोच्च न्यायालय कर रहे थे। न्यायपालिका जो कि सरकार का तीसरा अंग है, तो हम सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ रहे थे। अभी तक हमने सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, उसके क्षेत्राधिकार के बारे में, सर्वोच्च न्यायालय की क्या शक्तियाँ हैं इसके बारे में हमने पढ़ा। आज हम देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय का क्या क्षेत्राधिकार है। हमने पहले गठन के बारे में पढ़ा, संरचना के बारे में पढ़ा था पिछले वीडियो में, कि न्यायपालिका की संरचना पिरामिड आकार की है इसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में पढ़ेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय का क्या क्षेत्राधिकार है, इसे क्या क्या शक्तियां प्राप्त है। तो देखते हम सर्वोच्च न्यायालय के सबसे पहला जो क्षेत्राधिकार है उसके अंतर्गत आता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार मतलब कि ऐसे मामले जो कि सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के पास ही आते हैं और अन्य किसी भी न्यायालय के पास नहीं जाते हैं और इनके पास ही अंतिम फैसला होता है। तो इसमें हम देखते हैं उच्चतम न्यायालय का वह क्षेत्राधिकार जिसके तहत वह किसी भी मामलों की सीधी सुनवाई करता है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। सीधी सुनवाई मतलब कि उच्चतम न्यायालय का यह वह क्षेत्राधिकार है जिसके तहत वह किसी भी मामले की सीधी सुनवाई करता है। सीधी मतलब कि इसमें नीचे से अपीलीय न्यायालय के रूप में नहीं आ सकते हैं और डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय के पास में जो जाते हैं मामले, वह होता है सीधी सुनवाई करना। तो इसके क्षेत्र के बारे में इसे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इसमें हम पहला, इसको भी हमने दो बिंदुओं में बांटा है। पहला बिंदु आता है आत्यंतिक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। इसके तहत वे मामले आते हैं जिनकी सुनवाई का अधिकार केवल उच्चतम न्यायालय को ही है। जैसे कि अब देखो इसके मामले में, इसके संबंध में कौन से मामले आते हैं जिनकी सुनवाई का अधिकार सिर्फ किसको है, उच्चतम न्यायालय को है। जैसे कि इसमें पहला आता है भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य विवाद। अगर भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य अगर कोई विवाद होता है तो इनके मामलों की सीधी सुनवाई कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय करता है। इसी प्रकार से ऐसे विवाद जिनमें एक तरफ भारत सरकार है या एक से अधिक राज्य और दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्य है, ठीक है। दूसरे तरह के मामले में कौन सा आएंगे कि एक तरफ तो अगर भारत सरकार है और दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्य होंगे तो इनकी भी सीधी सुनवाई कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय ही करेगा। तीसरे प्रकार के आते हैं दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य विवाद हो तो इनकी सुनवाई भी कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय ही करेगा। तो अब आपको यहाँ पे याद रखना है, सबसे पहला प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, इसके अंतर्गत वे मामले आते हैं जिनमें सीधी सुनवाई का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। अब इसमें कौन कौन से आएंगे, इसमें पहला बिंदु आ जाएगा एक तरफ भारत सरकार है तथा दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य अगर विवाद है तो इनकी सीधी सुनवाई कौन करेगा, भारत सरकार, सर्वोच्च न्यायालय करेगी। दूसरा, ऐसे विवाद जिसमें एक तरफ भारत सरकार है या एक से अधिक राज्य और दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्य है, मतलब एक तरफ भारत सरकार है और कुछ राज्य है और दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्य है, तो इनकी भी सुनवाई कौन करेगी, सर्वोच्च न्यायालय करेगी। अब हम आते हैं इसमें दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य अगर कोई विवाद है तो इनकी भी सुनवाई कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय ही करेगा। तो ये आपके आ गए आत्यंतिक प्रारंभिक मामले। अब हम देखते हैं समवर्ती प्रारंभिक मामले। समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्या आएगा, इसके तहत वे मामले आते हैं जिनकी सुनवाई का अधिकार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को समान रूप से है। समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में मतलब कि इसके अंतर्गत कौन से मामले आएंगे जिनकी सुनवाई का अधिकार
उच्चतम न्यायालय को भी है और उच्च न्यायालय को भी है, दोनों को समान रूप से है। इसके तहत उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों की रक्षा हेतु तो विभिन्न प्रकार की रिटें जारी करने का अधिकार है। आपने देखा था, हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय, तो इसके अंतर्गत भी क्या आता है कि इसमें ऐसे मामले आएंगे जिसमें दोनों ही न्यायालय को मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार है। जैसे कि इसके अंतर्गत कौन सी रिटें आती है, अपन ने पढ़ा था, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परवादेश, उत्प्रेक्षण, अधिकार प्रच्छा, ये सारी रिटें इसमें आएगी। तो यहाँ पर हमारा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार पूर्ण हुआ, जिसमें हमने देखा कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आपके आ गया समवर्ती प्रारंभिक और समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार और अत्यंतिक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। अब हम आते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार की तरफ। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार में सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार का यह वह अधिकार है जिसके तहत वह उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनता है। अपीलीय क्षेत्राधिकार में क्या आ जाएगा कि इसके अंतर्गत वह उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनता है। इस प्रकार के सर्वोच्च न्यायालय अपील का उच्चतम न्यायालय है। यहाँ पर क्या होता है कि जो भी उच्च न्यायालय कोई फैसला देता है तो उनके निर्णय के विरुद्ध कहाँ पर अपील की जा सकती है, सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। और यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय अंतिम अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करता है। अपीलीय मामलों में तभी सुनवाई होती है जबकि उच्च न्यायालय यह प्रमाण पत्र दे, मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय के पास में अगर कोई मामला जाता है तो उसमें उच्च न्यायालय द्वारा प्रमाणित किए जाने के बाद ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि सारे मामले सर्वोच्च न्यायालय में चले जाए, तो इसके लिए उच्च न्यायालय यह प्रमाण पत्र देगा। अब क्या क्या देगा इसमें कि उस मामले की विधि का महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगर उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि यह मामले में कोई विधि का अर्थात कानून के संबंध में कोई महत्वपूर्ण प्रश्न है तो वह मामला सर्वोच्च न्यायालय के पास जाएगा, या फिर उसकी राय में उस पर उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय लेना आवश्यक है। अगर उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि इस मामले में उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय लेना आवश्यक है तो वह मामला सर्वोच्च न्यायालय के पास ही जाएगा। उच्च न्यायालय के इस प्रमाण पत्र के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय में अपीलीय अधिकार को 4 भागों में बांटा गया है। अब देखो, अपीलीय अधिकार को इसके संबंध में 4 भागों में बांटा है। तो अपीलीय अधिकार में आप ध्यान रखना कि उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार कहाँ पर है, सर्वोच्च न्यायालय में है। इस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय अंतिम अपीलीय न्यायालय है और उच्च न्यायालय अगर कोई बात प्रमाणित कर दे तभी वह उसकी अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है, अन्यथा नहीं। तो उसमें कौन कौन सी बातें आएगी, एक तो अगर उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि विधि के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्न है, या फिर उच्च न्यायालय यह निर्णय दे दे कि यहाँ पर उच्च न्यायालय यह प्रमाण के आधार पर यह बात साबित कर दे कि उसकी राय में यह निर्णय हो जाए कि यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में जाने योग्य है, तो ही वहां पर की जा सकती है। अब इसमें 4 प्रकार के मामले आते हैं। एक तो संवैधानिक मामलों से संबंधित अपील की जा सकती है, दूसरा सिविल मामलों से संबंधित अपील की जा सकती है, चौथा तीसरा आपराधिक मामलों से संबंधित, और चौथा आ जाएगा विशेष इजाजत से संबंधित। अगर संविधान के संबंध में कोई महत्वपूर्ण प्रश्न है तो उसकी अपील कहाँ की जा सकती है, सर्वोच्च न्यायालय में। सिविल मामलों में मतलब आय से संबंधित मामले जिसमें पैसे से लेन देन है, दीवानी मामले हैं, ये सारे सिविल मामलों में जाएगी। आपराधिक में फौजदारी के संबंध में, मारकाट के संबंध में, फौजदारी दहेज है, हत्या के संबंध में जितने भी मामले हैं उनकी अपील की जा सकती है, या फिर विशेष इजाजत से। विशेष इजाजत से मतलब कि अगर
उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि इसकी अपील सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में हो सकती है, तो वहाँ पर उसकी अपील की जा सकती है। तो इस प्रकार से यह चार प्रकार के इनको भागों में बांटा गया है। अब हम देखते हैं सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार। सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हम देखेंगे कि किस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह देता है विभिन्न कानूनी बातों के संबंध में। संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति निम्न दो मामलों में उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है। यहाँ पे ध्यान रखना, राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्न मामलों में उच्चतम न्यायालय से सलाह लेता है। कौन से मामले आएंगे? पहला, जो कि सार्वजनिक महत्व का हो। अगर कानून निर्माण के संबंध में सार्वजनिक महत्व का कोई प्रश्न हो और ऐसी स्थिति में अगर राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले तो उनको देनी पड़ेगी। दूसरा, ऐसे संधि या समझौते जो संविधान लागू होने से पूर्व किए गए थे, अर्थात हमारा जब भारत आजाद हुआ था और हमारा संविधान का निर्माण हुआ था उससे पूर्व अगर कोई संधि समझौते किसी के साथ में किए गए हैं तो उसके संबंध में, ऐसे मामलों के संबंध में वह उच्चतम न्यायालय से सलाह लेगा। अब इसमें एक बात है विशेष ध्यान देने योग्य, वो है कि प्रथम मामले में तो न तो उच्चतम न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य है और न ही राष्ट्रपति उसकी सलाह मानने के लिए बाध्य है। अर्थात जो सार्वजनिक महत्व के प्रश्न है इस पर उच्चतम न्यायालय बाध्य नहीं है सलाह देने के लिए, वह चाहे तो सलाह दे अन्यथा मना कर सकता है और राष्ट्रपति भी उसकी सलाह के लिए मानने के लिए बाध्य नहीं है। अर्थात राष्ट्रपति चाहे तो उसकी सलाह माने या न माने। परंतु द्वितीय मामले कौन से? जो संविधान लागू होने से पूर्व जो संधि समझौते किए गए हैं, इस प्रकार के मामलों में उच्चतम न्यायालय सलाह देने हैं तो बाध्य है परंतु राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। दूसरे जो मामले हैं उसमें उच्चतम न्यायालय तो सलाह देने के लिए बाध्य है परंतु राष्ट्रपति उसकी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो इस प्रकार से यह सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार यहाँ पर आपके पूरा हुआ। तो तीन हो गए आपके, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार और सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार। अब हम देखते हैं सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार की क्या उपयोगिता है, क्योंकि राष्ट्रपति मना कर सकता है यहाँ पर सलाह मानने से, तो इसकी मना करने के बावजूद भी इसकी क्या उपयोगिता है। जब राष्ट्रपति या सरकार दोनों ही स्थितियों में उच्चतम न्यायालय की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है फिर भी इसकी निम्न उपयोगिता है। किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय की कानूनी राय मिल जाने से उस मुद्दे पर कानूनी विवाद से बचा जा सकता है। यहाँ पर देखो कि सलाह कौन मांगता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति यह सलाह किसके कहने से मांगता है? केंद्रीय मंत्री परिषद के कहने से मांगता है। तो इस प्रकार से सरकार को किसी भी कानून निर्माण में या किसी भी कार्य में जब सर्वोच्च न्यायालय की सलाह राय मिल जाती है और उसके बाद में अगर वह माने या न माने तो वह उस राय पर अपील अमल करने के बाद में वह कानूनी विवाद से बच जाते हैं, क्योंकि उनके पास किसकी शक्ति होती है? सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति होती है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ये स्वीकार कर लेती कि ये कार्य उचित है और उसके अनुसार ही अगर वह मंत्रिपरिषद व कानून निर्माण करेगी तो उसमें कानूनी राय उनकी मिलने से कानूनी विवाद से बचा जा सकता है। अब हम देखते हैं कि दूसरा इसमें बिंदु इसकी उपयोगिता है कि सरकार उच्च न्यायालय की सलाह के अनुसार अपने प्रस्तावित निर्णय या विधेयक में समुचित संशोधन कर सकती है। अगर सरकार उच्च न्यायालय की जो सलाह मिलती है तो उसके अनुसार अपना जो निर्णय है या उनका जो विधेयक है, कानून निर्माण की प्रक्रिया है, उसमें समुचित संशोधन कर सकते हैं, उसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि यह सलाह अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा बाध्यकारी एवं निर्देश के रूप में मानी जाती है।
यह जो सलाह दी जाती है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, यह सलाह अधीनस्थ न्यायालय को, इसके नीचे के न्यायालय हमने पढ़े थे, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, जिला न्यायालय, इन पर यह निर्णय बाध्यकारी रूप से निर्देश के रूप में मानी जाती है, अन्यथा वो क्या करेंगे, इनका दुरुपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसकी यह उपयोगिता है। तो यहाँ तक हमारे क्षेत्राधिकार पूर्ण हुए, समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार वो हमने पढ़ लिया, ठीक है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को दो भागों में बांटा था, और दूसरा अपीलीय और तीसरा सलाहकारी। अब हम आते हैं न्यायिक सक्रियता की तरफ। न्यायिक सक्रियता अर्थात न्याय की सक्रियता, अर्थात न्याय को तेजी से लागू करना, लोगों का उस पर उसको अधिक से अधिक न्याय की सुविधाएं उपलब्ध कराना, यही न्यायिक सक्रियता है। जब न्यायालय लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा एवं सामाजिक न्याय की उन्नति के लिए अपने कार्यक्षेत्र से ऊपर उठकर कार्य करती है या निर्णय लेती है, तो इसे न्यायिक सक्रियता कहा जाता है। अगर मौलिक अधिकारों की रक्षा करनी है और सामाजिक न्याय के उद्देश्य को प्राप्त करना है, सामाजिक न्याय मतलब सभी व्यक्तियों को समान न्याय की व्यवस्था उपलब्ध कराना, तो इसके लिए अगर सर्वोच्च न्यायालय अपने कार्यक्षेत्र से ऊपर उठकर कार्य करती है, अर्थात उनका जो कार्यक्षेत्र है उसके अलावा अगर वह कार्य करती है, तो वह न्यायिक सक्रियता के अंतर्गत आएगा। भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन जनहित याचिका है। हमारे यहाँ पर न्यायिक सक्रियता का प्रमुख साधन क्या है? जनहित याचिका है। यहाँ पर जनहित याचिका के द्वारा न्यायिक सक्रियता का कार्य किया जाता है। न्यायिक सक्रियता का प्रथम मुद्दा भागलपुर बिहार के कैदियों के अधिकारों के लिए 1979 में प्रस्तुत हुआ था। न्यायिक सक्रियता का सबसे पहला मुद्दा कब आया था? भागलपुर बिहार में, भागलपुर जगह है बिहार में, यहाँ पर कैदियों के अधिकारों की रक्षा के लिए 1979 में यह मुद्दा प्रस्तुत किया गया था। तब से आज तक न्यायिक सक्रियता में यह अद्भुत कार्य किया है। भागलपुर में कैदियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए यह न्यायिक सक्रियता का कार्य शुरू किया गया था, और यह तब से लेकर आज तक यह मुद्दा न्यायिक सक्रियता के लिए चालू रहा है, अद्भुत कार्य रहा है। जनहित याचिका की शुरुआत 1980 के दशक में हुई थी, और यह किसने की थी? पीएन भगवती और कृष्णा अय्यर ने की थी। ध्यान रखना, हमारे भारत में जनहित याचिका का कार्य किया जाता है, और जनहित याचिका के अंतर्गत गरीब से गरीब, निर्धन से निर्धन व्यक्तियों के लिए कानूनी सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। तो यह शुरुआत कब की गई थी? 1980 में की गई थी, और किसने की थी? पी एन भगवती और कृष्णा अय्यर ने की थी। अब हम देखते हैं न्यायिक सक्रियता के प्रभाव, कि भाई न्यायिक सक्रियता का क्या प्रभाव है। न्यायिक सक्रियता के निम्नलिखित प्रभाव दृष्टिगोचर होते हैं, उसमें पहला प्रभाव क्या है? उच्चतम न्यायालय ने जनहित याचिका को मान्यता प्रदान की है। न्यायिक सक्रियता को प्रभावशाली रूप से आगे बढ़ाने के लिए उच्चतम न्यायालय ने क्या किया है? जनहित याचिका को मान्यता दी है। जब कोई भी व्यक्ति किसी भी अन्य व्यक्ति या समूह की ओर से याचिका दायर कर उस पर मुकदमा लड़ सकता है। अब क्या हो गया? अब कोई भी व्यक्ति अन्य किसी भी व्यक्ति या समूह की ओर से याचिका दायर कर सकता है और मुकदमा की लड़ाई कर सकता है। दूसरा, उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के मौलिक अधिकारों की नवीन व्याख्या की है। जो उच्चतम न्यायालय है, उन्होंने अनुच्छेद 21 के तहत, आपने स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा, समानता का अधिकार पढ़ा, समानता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 20 और 21 आते हैं, जिसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है। तो उसके तहत जिसमें हमने जीवन का अधिकार भी पढ़ा था, तो यह अनुच्छेद 21 में उन्होंने मौलिक अधिकारों की नवीन व्याख्या की है, और आम आदमी के जीवन व सुरक्षा को व्यवहारिक बनाने का प्रयास किया है।
तीसरा, उच्चतम न्यायालय ने नागरिकों की गरिमा और प्रतिष्ठा की सुरक्षा की और अधिक ध्यान केंद्रित किया है। उच्चतम न्यायालय ने नागरिकों के गरिमा, नागरिकों का जीवन व्यवस्थित रहे, गरिमामय रहे और उनकी प्रतिष्ठा सुरक्षित रहे, इसके लिए उन्होंने उस पर और अधिक ध्यान केंद्रित किया है। तो इस प्रकार से न्यायिक सक्रियता का क्या प्रभाव रहा है, ये आपके तीन बिंदुओं के तहत आता है। अब हम देखते हैं न्यायपालिका और मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका में क्या प्रावधान किया गया है? तो इसमें हम देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षक और संविधान का व्याख्याकार होने का गौरव प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय को क्या अधिकार है कि वह मौलिक अधिकारों का एक तो संरक्षक है और संविधान की व्याख्या करने का अधिकार भी किसको है? सर्वोच्च न्यायालय को है। अगर संविधान में किसी भी धारा के विरुद्ध संसद कोई कानून बना सकती है तो सर्वोच्च न्यायालय उसको अवैध घोषित कर सकता है। किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होने पर वह सीधे उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति है और उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है या उनके मौलिक अधिकारों पर अतिक्रमण हो रहा है या ऐसा कोई भी कानून बनाए जिससे कि उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह सीधे उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। अब उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में क्रमशः अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए 5 तरह की रिटें जारी की गई है। उच्चतम न्यायालय में तो अनुच्छेद 32 है और उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 है। इसके तहत 5 प्रकार की रिटें जारी की गई है। सबसे पहले आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, अर्थात जब भी बंदी किसी व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय में जज के सामने उपस्थित किया जाए। परमादेश नीचे के अदालत से, नीचे के कार्यकारी कर्मचारी से किसी भी चीज को मंगवाना परमादेश। प्रतिषेध किसी भी कार्य को जो उसकी सीमा के बाहर है उसको करने से रोकना। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों से किसी भी कार्य को मंगवाना। अधिकार प्रच्छा अर्थात अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी है और वह अपने कार्य पद पर कार्यरत है तो उसको उसके पद पर कार्यरत करने के संबंध में जो आवश्यक सूचना मांगना कि आप किस हिसाब से इस पद पर कार्य कर रहे हैं, इसमें आपके क्या आपके पास में सरकारी नोटिस है उसको बताएं। तो इस प्रकार से यह अधिकार प्रच्छा। यदि विधायिका या राज्य ऐसा कानून बनाते हैं जिससे कि मूल अधिकारों का हनन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 13 की अनुपालना कर ऐसे कानूनों को निरस्त कर सकता है। आपको बताया था मैंने पहले भी, अगर विधायिका यानी संसद कोई ऐसा कानून बना देती है जो कि मूल अधिकारों का हनन होता है जिससे, तो सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 13 की अनुपालना करते हुए ऐसे कानून को निरस्त रद्द कर सकती है। और इस कार्य को क्या कहते हैं? न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है, जिसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु सर्वोच्च न्यायालय यह कार्य करती है। तो इस प्रकार से यहाँ तक हमने देखा सर्वोच्च न्यायालय किस प्रकार से मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है और उसमें आपको ये 5 प्रकार की रिटों के बारे में लिखना है। अब हम देखते हैं न्यायपालिका और संसद, अर्थात न्यायपालिका में और संसद में किस प्रकार से संबंध है और यह दोनों कैसे कार्य करते हैं। न्यायिक सक्रियता से वर्तमान में न्यायपालिका एवं संसद विभिन्न मामलों में आमने सामने खड़ी हो गई है। जैसे जैसे न्यायिक सक्रियता बढ़ी है वैसे वैसे क्या हो गया, न्यायपालिका और संसद काफी विषयों में, काफी मामलों में आमने सामने खड़ी हो गई। आमने सामने मतलब दोनों आपस में एक दूसरे से एक दूसरे के विरुद्ध खड़ी हो गई है। संविधान लागू होने के प्रारंभ से ही
किसी न किसी मुद्दे पर संसद और न्यायपालिका में टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई है। जैसे ही संविधान लागू हुआ है और उसके बाद से विभिन्न मुद्दों पर दोनों में आपस में टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई है। प्रारंभ में संसद के अधिकार पर कुछ प्रतिबंध लगाकर भूमि सुधारों को लागू करना चाहती थी, परंतु न्यायपालिका ने कहा कि संसद मूल अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती है। प्रारंभ में क्या हुआ था, संसद को यह अधिकार दिया गया था कि वह कुछ प्रतिबंध लगा सकती है, परंतु कुछ भूमि सुधारों को वह लागू करना चाहती थी, परंतु बाद में न्यायपालिका ने कहा कि संसद सिर्फ मूल अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती है, बस उसको सिर्फ वह सीमित, मतलब कि न्यायपालिका ने क्या डिसीजन लिया कि संसद किसी भी रूप में मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती। गोलकनाथ विवाद, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विवाद है। तो गोलकनाथ विवाद 1967 में से केशवानंद भारती विवाद 1973 तक संसद और न्यायपालिका में विवाद काफी गहरा रहा है। गोलकनाथ विवाद हुआ था 1967 से, केशवानंद भारती विवाद 1973 तक न्यायपालिका में और संसद में बहुत ही गहरा विवाद चलता रहा था। अंततः न्यायपालिका ने संविधान के आधारभूत ढांचे में बिना किसी बदलाव के संसद के संविधान संशोधन की शक्ति को स्वीकार किया है। सबसे पहले आपको पता है गोलकनाथ विवाद हुआ, उसमें न्यायपालिका ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है। बाद में 1973 में केशवानंद भारती विवाद में कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकती है, परंतु बाद में 1980 के मिनर्वा मिल्स विवाद में वापस न्यायपालिका ने डिसीजन लिया था कि संसद मौलिक अधिकारों में परिवर्तन तो कर सकती है, परंतु उसके मूल ढांचे में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकती। तो इस प्रकार से यह काफी गहरा विवाद हुआ था। उसके बाद में संसद के संविधान संशोधन की शक्ति को स्वीकार करते हुए 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटा दिया गया और उसे अब एक कानूनी अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300 के तहत दर्जा दिया गया है। और मिनर्वा मिल्स वाद 1980 में हुआ था, उसके बाद दिए गए निर्णय से न्यायपालिका का कद काफी ऊपर उठ गया है। 1980 के दशकों में न्यायपूर्ति पी एन भगवती और कृष्णा अय्यर ने जनहित याचिकाओं के माध्यम से न्यायपालिका के कार्य और अधिकार और शक्तियों को काफी व्यापक बना दिया है। 1980 में जो न्यायमूर्ति पी एन भगवती थे और श्री कृष्णा अय्यर थे, उन्होंने जनहित याचिकाओं के माध्यम से न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र को, उनके अधिकार को और उनकी शक्तियों को काफी व्यापक बना दिया है। वर्तमान में न्यायपालिका ने अनुच्छेद 21 की व्याख्या कर उसे अत्यंत ही व्यापक बना दिया है। वर्तमान में क्या हुआ है, अनुच्छेद 21 में न्यायपालिका के कार्यक्षेत्रों को ज्यादा व्यापक बना दिया गया है और उसमें अनुच्छेद 21 की व्याख्या कर और उसे ज्यादा उसके कार्यक्षेत्रों को बढ़ा दिया गया है। न्यायपालिका के कई मुद्दों पर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को कानून बनाने के लिए आदेश दिए गए हैं और कई बार संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को न्यायिक पुनरावलोकन द्वारा निरस्त किया गया है। तो इसमें हम देखते हैं कि न्यायपालिका कई मुद्दों पर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को कानून बनाने के आदेश देती है, मतलब कि कई मुद्दों पर क्या करती है न्यायपालिका, कई मुद्दों पर न्यायपालिका और कार्यपालिका कानून बनाने के लिए आदेश देती है और वह संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को निरस्त भी कर सकती है। अर्थात संसद अगर कानून बनाती है वह मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है या संविधान की व्याख्या के विरुद्ध है
तो वह उसको निरस्त घोषित कर सकती है। तो इस प्रकार से इसी कार्य को न्यायिक पुनरावलोकन कहा गया है। तो यहाँ पर हमारा ये पाठ पूरा समाप्त होता है। यहाँ पर हमने देख लिया कि मौल्य सर्वोच्च न्यायालय का क्या क्षेत्राधिकार है, ये तीनों ही क्षेत्राधिकार हमने देखे, और उसमें न्यायपालिका और संसद में क्या संबंध है, न्यायपालिका मौलिक अधिकारों की रक्षा किस प्रकार से करती है, यह सब हमने पढ़ा। तो इसमें ये तीन प्रश्न बनते हैं, मौलिक अधिकारों का और न्यायपालिका और संसद का, और एक बनता है क्षेत्राधिकार का। तो ये तीनों प्रश्न अच्छे से करना। धन्यवाद।